पट्टिका धगत 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 ज्वला अनंजी आहुति पित प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कर प्रकल्प नेत शिल्पिनी त्रिलोचने सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिंभा मधु प्रतम मैं उन्हें गुजारिश करता हूं वो स्टेज पर आए और आरती करें। श्री गणेश जी की आरती से आज का ये भव्य कार्यक्रम यहाँ आरंभ होने को है। यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों को हम विनती करेंगे कि वे आरती के लिए अपनी सीट से खड़े हो जाएं और खड़े होकर के सब आरती करेंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नम् कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं राम नारायणं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता तोरी पार्वती जय गणेश देवा जय
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तोरी पार्वती पिता मा देवा माता तोरी पार्वती पिता मा देवा श्री राम के 14 बरस के बाद अवध नगरी में वापस लौटने की
खुशी की याद में मनाया जाता है। मुझे कहा गया है कि राम के आगमन, राम की तालीमात और आज की जो ये उत्सव संध्या हम यहां पर मना रहे हैं, उसकी मुनासिबत से कुछ धार्मिक पहलुओं को उजागर किया जाए कि आज के दिन हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के परम पावन चरित्र से वो कौन से असबाक हैं जो अपनी जाती जिंदगी को, अपने किरदार को मुनफरिद बनाने के लिए, दूसरों के लिए आनंददायक बनाने के लिए, दूसरों के लिए मशले राह बनाने के लिए, हम उसको यदि अपने जीवन में हासिल करें और अमली तौर पर भगवान राम के जीवन से समझ करके चले तो हमारा जीवन भी शांति और आनंद को प्राप्त हो सकता है। तो जब मेरे सामने राम जैसे एक आदर्श चरित्र का नाम सामने आता है तो ऐसा फील होता है कि शायद समुंदर की गहराई नापनी आसान है, पर राम जी के चरित्र की गहराई को नापना ये मुझ जैसे छोटे आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण ये सब राम की महिमा को गाने में थकन महसूस करते हैं कि हम थक जाते हैं। जन्म जन्म मुनि वेद जतन करावही तो भी अंत राम कहीं आवत नहीं। ऐसा अनंत तत्व है जिसका ना कोई शुरू है, ना कोई बीच है, ना कोई आखिर है, इसलिए उसको अनंत कह करके पुकारा गया है। तो ऐसे अनंत सागर तुल्य चरित्र को कूजे में कैद करना ये मेरे बस की बात नहीं है, पर मैं सिर्फ दो ही सूत्रों में आज के संदेश को आप सभी भक्तों के पास रखने में खुशी महसूस करूंगा कि भगवान राम का नाम, जिस तरह के राम नाम उच्चारण करने से ही एक आनंद और उल्लास की अनुभूति होती है, तो मेरी समझ में यदि राम जी के जीवन को समझना है तो हमें एक छोटी सी बात अपने जीवन में अमली तौर पर उतारनी पड़ेगी। राम का मतलब है दूसरों को आराम किस तरह दिया जाए। आज के दिन का यदि कोई बेहतर में बेहतर मेरी दृष्टि में संदेश होगा तो वो इतना ही होगा कि हम यदि दूसरों के आराम का ख्याल करें तो हमारे जीवन में भगवान राम अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। तो राम वो है जो दूसरों को आराम देने में बिलीव करते हैं, जिनका जीवन, जिनका चरित्र, जिनका व्यवहार इस जगत में सबको आराम देने के लिए ही हुआ है। तो जो दूसरों को आराम दे वो राम का भक्त है। और इसी के साथ साथ जब राम जी का नाम आता है तो रावण को भी लोग जरूर याद करते हैं। संस्कृत वांग्मय के अंदर रावण की डेफिनेशन आती है कि रावयेति इति रावण, जो दूसरों को रुलाकर खुशियां लेता हो, जिसकी खुशियों का दारोमदार सिर्फ दूसरों को रुलाना ही हो, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना हो, दूसरों को अजियत देना हो, दूसरों को पीड़ा देना हो, दूसरों की खुशियों को छीनना हो, दूसरों के सुख में आग लगाना हो, ये सब करके जो खुशी पाता है वो रावण है। तो मेरे भाई बहन, आज दिवाली के संदेश के रूप में मैं इतना ही संदेश आप तक रखूंगा कि जितना हो सके दूसरों के आराम का ख्याल रखें, दूसरों को आनंद दें तो आपको परमानंद मिलेगा, दूसरों को रुलाएंगे तो जिस तरह शरीर के साथ उसकी परछाई जुड़ी हुई है उसी तरह कर्म के साथ उसका फल जुड़ा है। आप दूसरों को आराम पहुंचाएंगे, आपको ये सारी प्रकृति आराम पहुंचाएगी। आप रुलाएंगे, आपको भी रोना पड़ेगा। तो ये संसार कर्म क्षेत्र है, यहाँ राम के आदर्श चरित्र से हमें इतना ही सीखना चाहिए कि हम कितना कोशिश करके इस ये जो मनुष्य का शरीर है, इस शरीर में रहते हुए कितना दूसरों के आराम के लिए काम कर सकते हैं, वो हमारा मोटिव होना चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो अवश्य, जिस तरह 14 साल के बाद भगवान राम अयोध्या में वापस आए,
उस तरह हमारी जाती जिंदगी के अंदर भी अगर हम दूसरों को आराम पहुंचाएंगे और किसी को रुलाने से गुरेज करेंगे तो जरूर हमारी जाती जिंदगी में भी राम आए उसका हमें जाती तौर पर अनुभव हो सकेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मुझे दो भजन कहने के लिए भी कहा गया है यहाँ पर और उसी रिवायत को निभाते हुए कि जिस तरह के हम आज दिवाली के उत्सव पर यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारा कार्यक्रम भगवान शंकर के सानिध्य में हो रहा है तो राम के स्वयं ईश्वर ये पवित्र आंगन यहाँ सजा हुआ है। आए हुए सभी अतिथियों का एक बार व्यास की वाणी में मैं यहाँ पर सबका स्वागत करूं, एक बार जोरदार तालियों में हम सभी को वहां वेलकम करें और साथ साथ जो हमारे माननीय अतिथि यहाँ पधार रहे हैं उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। डॉक्टर श्यामलाल जी वंदे शिवम शंकरम वंदे शिवम शंकरम तो शिवनाथ तेरी महिमा
शक्तिशाली माँ तू शक्तिशाली तेरी महिमा है प्यारी माँ तू शक्तिशाली माँ तू शक्तिशाली तेरी महिमा है प्यारी तेरा दर्शन पाने को आई दुनिया सारी बाद दिवाली की महिमा और फिर भजन पेश किए। अब हम भजन के लिए शंकर प्रेमी खेताराम जी को निवेदन करता हूं मैं। सबसे गुजारिश है कि सब खड़े हो जाए और कौमी तराने के एजाज में Thank you.
पाकिस्तान में जलजला आया, उसमें जो कीमती जानें ज़ाया हुई उसके हवाले से, और जो कल फ्रांस के शहर पेरिस में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उसमें जो जानें ज़ाया हुई हैं, उस हवाले से हम एक मिनट की खामोशी और प्रार्थना करेंगे। हेलो, मानों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी दीदी बैठी हुई है यहाँ पे, मंगला शर्मा साहब, और शर्मा साहब आपको भी बहुत 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 खूबसूरत प्रोग्राम रचा है आपने। देखिए हम जिस मुल्क में बैठे हैं प्यारे पाकिस्तान में, मैं तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, और मुझे बताने में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं है कि हम यहाँ अपना मजहबी त्यौहार चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, हम बड़ी धूमधाम और बड़े प्रेम से मनाते हैं। तो मेरी तमाम आए हुए मेहमानों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी जोरदार तालियां होनी चाहिए, आप लोगों के यहाँ मौजूदगी नजर आनी चाहिए। आई दिवाली हम खुशियां, आई दिवाली हम खुशियां मनाएंगे, घर घर दीप और फूल जड़ियां जलाएंगे, आई दिवाली हम खुशियां मनाएंगे, आई दिवाली हम खुशियां मनाएंगे, आई दिवाली हम खुशियां मनाएंगे, घर घर दीप और फूल जड़ियां जलाएंगे, घर घर दीप और फूल जड़ियां जलाएंगे, खुशियां बनाएंगे। राम 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 राम।